आज हम कक्षा 12 में विषय हमारा हिंदी व्याकरण है और विषय है हमारा हिंदी व्याकरण से आवेदन पत्र। स्टूडेंट्स, हम इससे पहले कार्यालय पत्र पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, यानी कि जो हमारा आवेदन पत्र होता है, आवेदन पत्र होता है कि जब हम जब कोई उम्मीदवार, यानी कि जैसे हमने हम पर जो कोई पर जाते हैं, तो उसके लिए तो हम अपना सबमिट के थ्रू लेकर जाते हैं। और सबमिट देखने में तो जैसे हमारे पर्सनल जो हमारा डाटा होता है, नेम, फादर नेम, आप जो बताएंगे, तो उससे संबंध जो आपके सामग्री है। और आवेदन पत्र क्या होता है कि उसमें उसके माध्यम से जो लिखने वाला है, यानी कि जो उम्मीदवार है, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, उसके चरित्र के बारे में पता चलता है कि वो जहाँ पर आवेदन कर रहा है उस संस्था के प्रति उसकी कैसे भाव है, वो क्या सोचता है संस्था के बारे में, कितना आदर रखता है, कितने उसके संस्था के प्रति उसकी रुचि है, तो ये सब बातें हमें आवेदन पत्र के माध्यम से पता चलता है। आवेदन पत्र को लिखते समय इसको चार भागों में बांटा है। पहले भाग में उम्मीदवार अपने इच्छा व्यक्त करता है कि भाई वो संस्था में कार्य करना चाहता है। दूसरे भाग में अपनी योग्यताओं का विचार, अपनी योग्यताओं के बारे में वो बताता है। और तीसरे भाग में वो जिस संस्था में पद के लिए आवेदन कर रहा है उसके प्रति अपने भाव, विचार, रुचि, इन सब की जानकारी देता है। और चौथा भाग, यानी कि आखिरी भाग में जब आवेदन पत्र को पद समापन होता है, उसको बड़े विनम्रता के साथ, भद्रता के साथ उसको समापन करता है। तो इन चार भागों को मिलाकर आवेदन पत्र लिखा जाता है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आवेदन पत्र, जो इसमें आज हमारे का टॉपिक है दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष के आवेदन पत्र लिखिए, जिसमें लिपिक के पद के लिए आवेदन किया गया है। तो हमारा विषय क्या है कि आप जो उम्मीदवार ने लिपिक के पद के लिए उसने पत्र लिखना है, किसको लिखना है, दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष, ठीक है, लिखने वाले लिपिक के पद के लिए विषय है हमारा, लिखना किसको है, दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप सभी पत्रों में लिखते हैं, पत्र लिखने वाला यानी जो उम्मीदवार है वो अपना पता लिखता है। पहले यहाँ पर 490 अशोक नगर नई दिल्ली, यहाँ पर आप अपना पता लिख सकते हैं, आप यहीं पे रहते हैं, साथ में और तब भी आप अपने पद भी लिखते रहते हैं, तो आप उसी अनुसार इसमें हाउस नंबर, गली नंबर, ये नगर है आपका और ये शहर का, यहाँ पर आप अपना पता भी लिख सकते हैं। उसके नीचे क्या लिखी जाती है, दिनांक। Gracias.
50 सफर पर उनकी जो खबर है और उसमें हॉस्पिटल लाइफ में ध्यान रखने को होता है तो जो टाइप ऑफ है उनको बहुत अच्छा और मन है और जो टाइपिंग की जो गति है उनकी